नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालम् पंगुम मंगहयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनकारणम्। अध्याय 4 श्लोक संख्या 5, उसमें जो एक भाग बचा हुआ है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जैसा आप सभी भक्त लोग जानते हैं, ये हम दिव्य ज्ञान रूपी अध्याय पढ़ रहे हैं। और उसमें पहले श्लोक में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, ऐसा करके दूसरे श्लोक में बताया गया। और क्या हो गया था, फिर काल कर्म परंपरा छिन्न हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फिर तीसरे श्लोक में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं, ये परम रहस्य जो है ये मेरा भक्त या मेरा सखा समझ सकता है। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है एत उत्तमम्। और उसको परम क्या कह सकते हैं, प्राचीन योग विद्या, भगवान के साथ हमारे संबंध का विज्ञान, वो एक भक्त या फिर एक सखा समझ सकता है। उसके बाद जो हमने श्लोक संख्या 4 में अर्जुन को डाउट आ गया, प्रश्न आ गया, और अर्जुन का ये डाउट अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था, यस जल्दी से बताइए सुशीला माता जी, अर्जुन का प्रश्न क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन का प्रश्न था कि अपन अभी बात कर रहे हैं, आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया था, विवस्वान को, तो वो तो बहुत पहले से है, उनको ज्ञान आपने कब दे दिया, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यस, तो बात करने से सही बताया आपने, इसको और थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि आप और हम तो साथ साथ में हैं, एक जैसी उम्र है, और सूर्यदेव तो हमारे से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत पहले से हैं। तो आपने इस ज्ञान को सूर्यदेव को कैसे दिया, मैं इसको कैसे समझू, ऐसे करके अर्जुन ने बहुत विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछा। अब भगवान कृष्ण ने इसका अर्जुन को उत्तर दिया, मुक्ता माता जी क्या उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यस, तो भगवान ने बताया मैं भगवान हूं और तुम क्या हो, जीव हो, इसलिए हमने दो कॉलम बनवाए थे अगर आपको याद होगा, जीव और भगवान, राइट? तो जल्दी से सुमन माता जी बोलेंगे उन कॉलम्स में क्या क्या लिखा हुआ है, माइक अनम्यूट करके बोलिए। जीव में लिखा हुआ है, जीव भूल जाता है और भगवान को सब कुछ याद रहता है। बिल्कुल सही, दूसरा है, जीव भौतिक रूप में स्वीकार करता है, भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में आते हैं, बहुत सुंदर, और जीव अंश है, भगवान पूर्ण है। जीव बहुत सुंदर, भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, भगवान तो नेता है, इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। यस बहुत सुंदर, हरि बोल। अच्छे से बताया आपने। तो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आज का श्लोक जो हम कर रहे थे एक बार जस्ट दोहरा दीजिए श्लोक को, श्री भगवान वाचा, दोहराइए सभी लोग, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणी नत्ववेत्था परंतपा। भगवान कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, चा जन्म बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन मेरे और तुम्हारे क्या हो चुके हैं, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की है, जो हम जन्माष्टमी के टाइम पे भी समझे थे, वो पहले मैं बता दे, वो पहले ये श्लोक का अनुवाद पूरा कर लेता हूँ। तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, दोहराइए सभी लोग, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप,
तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, मुझे तो सबका स्मरण है। किसका स्मरण है? अनेक अनेक जन्मों का स्मरण है। तो आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है, वो ये बात है, आप सभी को मालूम है कि भगवान ने एक बात कही थी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में। क्या बात थी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में? भगवान ने दो गुण बताए थे आत्मा के, वो क्या बात थी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, बताइए। नत्वेवाहं जातुनाथं नत्वं नेमे जनाधिपा। यस। नचैव भविष्यामः सर्वे मयमतः परम। भगवान ने कहा था हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, हम ना रहे हो, ये जनाधिपाः, ये राजा ना रहे हो, वो पहले भी थे, हम सब लोग अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, आगे भी रहेंगे। तो जल्दी से रूपल पटेल माता जी बताएंगे कौन रहेगा, क्या राजा रहेंगे, क्या सब लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे वो? हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा की बात हो रही है। यस, तो अर्जुन जब कह रहा था कि मैं अगर विष्णु पितामह को, द्रोणाचार्य को मारूंगा तो बाद में जो भोग करूंगा, जो भी एंजॉयमेंट करूंगा, वो उनके रक्त से सना हुआ होगा, रुधिर प्रदीप्तान। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम विष्णु पितामह को नहीं मार सकते, तुम द्रोणाचार्य को नहीं मार सकते, हम सब लोग भी पहले थे, ये सारे राजा, सारे सिपाही, ये सब लोग पहले थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? आत्मा के रूप में रहेंगे। तो वहां आत्मा के दो लक्षण बताए थे, भक्ति माता जी बताएंगे आत्मा के क्या दो लक्षण बताए थे वहां पर, मैंने रिविजन में इसको नोट करवाया था। यस, मदद कीजिए स्मृति, स्मिता माता जी, आत्मा के दो लक्षण, मुख्य लक्षण। आत्मा, हाँ बताइए, भक्ति माता जी या स्मिता माता जी, कोई भी बताइए। आत्मा कभी मरती नहीं, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, वो तो हो गया सिंपल, बट हमने नोट करवाया था पर्टिकुलरली उस श्लोक में क्या बोला जा रहा है। यस बताइए वंदना बारोट माता जी। सच्चिदानंद। नहीं माता जी, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। नैना पटेल माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आत्मा शाश्वत है और आत्मा व्यस्ति है, मतलब अलग अलग है। देखो आप, देखो ऐसे मत करो प्लीज, मुझे दुख होगा। मैंने सच्चिदानंद का मतलब तो यही हुआ ना प्रभु जी। ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्लास में भी बताया, रिविजन में भी बताया, क्लास में दो तीन बार बताया, उसके बाद आप नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं, उसको देख के भी अगर आप सही उत्तर नहीं देंगे तो कैसे लगेगा? उत्तर इसका डायरेक्ट उत्तर है आत्मा शाश्वत है, और दूसरा उत्तर है आत्मा व्यष्टि है। तो शाश्वत कैसे हैं? हम पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, भगवान कह रहे हैं। और व्यष्टि कैसे हैं? तुम अलग थे, मैं अलग था, ये राजा लोग अलग थे और अभी आगे भी अलग अलग रहेंगे। तो इसको व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इटर्नल एंड इंडिविजुअल। इटर्नल मतलब शाश्वत और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग, पहले भी अलग थे, अभी भी अलग अलग है, आगे भी अलग अलग रहेंगे। तो मायावादी जो सिद्धांत है उसका यहाँ पर क्या होता है? खंडन। मायावादी सिद्धांत क्या बोलते हैं? हम सब लोग एक ही थे और अभी थोड़ा अलग अलग हो गए, बाकी वापिस जाके एक हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब भगवान में मिल जाएंगे। तो ये जो है उसका खंडन होता है उस श्लोक में। तो आत्मा के दो लक्षण बताए थे, व्यष्टि और शाश्वत। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, अलग, और शाश्वत का मतलब इटर्नल, हमेशा रहने वाले। तो आत्मा के दो लक्षण पढ़े। आज का श्लोक जो है वो भी यही कह रहा है कि बहुनी में व्यतीतानी। अर्जुन, पहले भी हमारे बहुत सारे बार जन्म हुआ है और हम लोगों ने बहुत बार जन्म लिया है, लेकिन मुझे तो उन सबका क्या है? स्मरण है, लेकिन तुम क्या हो जाते हो? भूल जाते हो, तुम उन्हें याद नहीं रख सकते। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पहले समझना है, और वो ये है, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है? अवतरण। भगवान का क्या होता है?
अवतरण, आविर्भाव, और इसको इंग्लिश भाषा में अगर बोलेंगे तो अपीयरेंस। क्या बोलेंगे? अपीयरेंस। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इधर ध्यान से समझिए उदाहरण के साथ में। कौन सा उदाहरण दिया जाता है इसको समझने के लिए, याद है आपको? भगवान का जन्म नहीं होता, मुक्ता माता जी बताएंगे। कौन सा उदाहरण दिया जाता है उसको समझने के लिए? बहुत सुंदर उदाहरण है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में है। जैसे सूर्य जब हमको, यस वंडरफुल, हरि बोल, क्या बात है। तो सूर्य जो है, मान लीजिए सुबह कहां से उगता है? पश्चिम से उगता है, और जो है वो पूर्व में जाके अस्त हो जाता है। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा कुछ सुनते भी हो कि क्या कहां पर अटेंशन। पूर्व से उगता है, पश्चिम में पूर्व से उगता है। पूर्व से उगता है तो हम ऐसे कहेंगे क्या? आज जो सूर्य आया है उसकी माँ पूर्व है, ऐसा कहेंगे? वो पूर्व से आने वाला सूर्य, वो क्या हो रहा है? वो जन्म ले रहा है क्या? सूर्य सुबह सुबह जन्म लेता है, पैदा होते ही बड़ा सा होता है। ऐसा होता है कि छोटा सा था, पैदा हुआ है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, 12 बजे तक पूरा बड़ा हो जाएगा, शाम को फिर थोड़ा वापस पतला होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और फिर शाम होते 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 मर जाएगा। क्या कहते हैं वंदना भारत माता जी? तो कृष्ण का जन्म क्यों मनाते हैं अगर उनका जन्म पूरा बता रहे? पहले सुनिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा, यही बताना चाह रहे। बहुत अच्छा, तो अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि कृष्ण भगवान का जन्म क्यों मनाते हैं। तो यही हम समझिए कि कृष्ण भगवान का जन्म नहीं मनाते हैं, कृष्ण भगवान का आविर्भाव दिवस मनाते हैं, प्राकट्य दिवस मनाते हैं। प्राकट्य दिवस का मतलब क्या होता है? प्रकट, अभी 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 सूर्य प्रकट है कि अप्रकट है? बोलिए, सभी लोग बोलिए। प्रकट है तो ऐसे बोलिए, अप्रकट है तो ऐसे बोलिए। अभी दोपहर में, अभी हमारा 3:15 बजा है, 3:30 बजा है, अभी सूर्य प्रकट है कि अप्रकट है? प्रकट है, ठीक है। अभी शाम को 6:30 बजे 7 बजे क्या हो जाएगा? अप्रकट हो जाएगा। आप कहोगे क्या सूर्य मर गया? यस और नो? शाम को 7 बजे सूर्य मर गया, राम नाम सत्य है, सूर्य मर गया है, सभी लोग आओ राम ना, ऐसा होता है? शाम को सूर्य मर जाता है? नहीं, सूर्य क्या हो जाता है? अप्रकट हो जाता है। यहां पर अप्रकट हो गया है और कहीं पर क्या हो गया है? प्रकट हो गया है। जब यहां पर अप्रकट होता है तो अमेरिका में प्रकट हो जाता है, राइट? तो सूर्य ऐसा थोड़ा होता है, ये अमेरिकन सूर्य है, ये ऑस्ट्रेलियन सूर्य है, ये इंडियन सूर्य है, ऐसा होता है क्या? यस और नो? अमेरिका का सूर्य अलग है, इंडिया का सूर्य अलग है, ऐसा होता है? यस यस। तो ऐसा नहीं होता कि भारत का सूर्य अलग है और अमेरिका का सूर्य अलग है, ऐसा कुछ नहीं। कभी बोला है किसी ने ऐसा, दिस इज अमेरिकन सन, दिस इज इंडियन सन, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है, आप अपने प्रश्न में आएगा, क्विज में आपके प्रश्न आएगा, और आपको प्रचार करने के लिए भी ये उदाहरण हमेशा याद रखना है। वंदना भारत माता ने जैसे पूछा, तो ये प्रचार में भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, कि जन्म हुआ जन्माष्टमी बोल दिया ऐसे। एक्चुअल में वो भगवान का जन्म नहीं है, साधारण भाषा में हमें बोलने के लिए हम लोग जन्माष्टमी बोलते हैं। वो अवतरण दिवस है, प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। इसलिए इस्कॉन में देखा होगा, कभी नहीं लिखते हैं इनविटेशन कार्ड में, इनविटेशन में क्या लिखते हैं? अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अपीयरेंस लिखते हैं। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना, अभी आप सब लोग मान लीजिए कैमरा ऑफ कर दोगे तो आप खत्म हो गए क्या? क्या बोलेंगे इसको वंदना माता जी? अगर आप कैमरा ऑफ कर दोगे तो मेरी आंखों से क्या हो गए? ओझल। इंग्लिश में बोलिए, डिसअपियर। डिसअपियर हो गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप लोग खत्म हो गए, जैसे ही कैमरा ऑन किया अपीयर हो गए। तो वैसे ही भगवान जो है अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान की प्राकट्य लीला है, और जो नारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए भगवान ऐसा रोल प्ले करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है और भगवान जो चले भी गए हैं, ऐसा उनके लिए दिखाते हैं। जब भगवान का अवतरण हुआ था, आप सभी को मालूम है, भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, देवकी के बालक बन के चतुर्भुज रूप में डायरेक्टली
देवकी बोलती है नहीं 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 कंस को मालूम पड़ जाएगा आप तो भगवान हो, आप बालक रूप में आओ, ऐसे मत आओ। तो फिर वो बालक रूप में आए थे, पहले वसुदेव जी के मन में गए, वसुदेव जी के मन से देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से उनके गर्भ में गए, और फिर जो है उनका प्राकट्य हुआ भगवान का। और भगवान जब प्रकट हुए थे तो कैसे हुए थे, पूरा एकदम जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले जब भगवान ने डायरेक्टली प्रकट हो गए थे तब वो पूरा विशेष सारा हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है, पद्म है, पूरा सुंदर अलंकार है, वस्त्र पहने हुए, आभूषण पहने हुए ऐसे अवतरित हुए थे ये भगवान कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर बात है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण, और आपको बता दूं मैं, 3 जन्मों तक उन्होंने तपस्या किया था, ये भगवान ही कर सकते हैं। एक बात सुन लीजिए आज, हरे कृष्णा, आपको अगर आपका बेटा बहुत अच्छा लगता है या आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है आपको, आप उसको प्रार्थना करो खूब आरती लेके, हे मेरी बेटी अगले जन्म में तू मेरी बेटी बनना, तेरे तू ही मेरी बेटी बनना, वो बन सकती है क्या, उसके हाथ में है क्या? रूपल पटेल माता जी है हाथ में, बेटी बेटा अगले जन्म में तू ही मेरा बेटा बनना, बहुत सुंदर, तू तो वो क्या नाम है उसका, जो अपने माँ बाप को भ्रमण करने लेके गया था, श्रवण, श्रवण जैसा बच्चा है तू तो मेरा, तू ही अगले जन्म में, वो आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन प्रश्नी और सूतपा और वसुदेव जी और देवकी ने जो प्रार्थना किया था तो हर जन्म में भगवान प्रकट हुए थे, भगवान को बोला आपको आना है तो आप ही आए थे, भगवान कृष्ण खुद आए थे। हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट जन्म तो सीधा बिल गेट्स के घर पे होना चाहिए, ठीक है यमराज जी फॉर्म भर देता हूं मैं ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, हम हो सकते हैं कि अपनी इच्छा से प्रकट, अगले जन्म में मैं जो है उनके घर में प्रकट होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो जन्म होता है, और वो भी किस कारण से होता है, कर्मों के कारण होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। आइए अब हम अगले तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर से आपको याद दिला देता हूं कल का तात्पर्य, पूरा का पूरा तात्पर्य जो ब्रह्म संहिता से समझाया गया है, ब्रह्म संहिता भगवान ब्रह्मा जी द्वारा पुस्तक दी गई है, उसका 5वां अध्याय धरती पर अवेलेबल है, और कोई अध्याय अवेलेबल नहीं है धरती पर, ओनली 5वां अध्याय अवेलेबल है ब्रह्म संहिता किताब का। उसमें ब्रह्मा जी, पिछले श्लोक में हमने समझा था कि अगर कृष्ण के बारे में जानना है तो कृष्ण से ही जानो, किसी और से मत जानो, तो हम ब्रह्मा जी से क्यों जान रहे हैं, हमने कल भी बताया था, तो फिर हम ब्रह्मा जी से क्यों जान रहे हैं? यस रूपल माता जी, क्योंकि भगवान ने सबसे पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, तो यस, क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु परंपरा की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से, और हमें ज्ञान को कैसे समझना है, या तो भगवान कृष्ण से या गुरु शिष्य परंपरा से, प्रमाणिक गुरु से समझना है। तो ब्रह्मा जी क्या कहे थे, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेश दुर्लभम, वेदों से भगवान को दुर्लभ है, वेदों से नहीं जान सकते, अदुर्लभम आत्म भक्तो, पर भक्ति अगर है तो अदुर्लभ है, मतलब आसान है भगवान को जानना। गोविंदम, सभी लोग माइक अनम्यूट करके पूरा कीजिए, गोविंदम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। बहुत अच्छा बताया गया है, ब्रह्मा जी ने बता दिया कि हे भगवान गोविंद, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गायों को आनंद देने वाले, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आप अद्वैत हो, दो नहीं हो, आप एक ही हो, अच्युत हो, जो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं हो, अनादि हो, आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आद्य जो आगे आएगा, आपसे सब कुछ शुरुआत होता है, आप पुराण पुरुषम हो, सबसे पुराने हो, फिर भी क्या हो, नवयौवनम च, सबसे पुराने होते हो भी क्या हो, स्मिता पटेल माता जी, नवयुवन, हाँ, धन्यवाद आए, ऐसा लग रहा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, भगवान क्या है, नव यौवन है, हम हो सकते हैं कैसे, सबसे पुराने भी हो और नव यौवन भी हो, पॉसिबल है? कितना भी दवाइयां ले लेना, कितना भी क्रीम लगा देना, नहीं हो सकता, ये दिख जाएगा राइट। हरे कृष्णा। तो बताया कि ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण को मैं
प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो भक्ति से जाने जा सकते हैं, वेदों के अध्ययन से नहीं जाने जा सकते। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, बोलिए हमारे साथ साथ बोलिए माइक म्यूट रखते हुए, रामादि मूर्ति स्वशेष म्यूट रखिए। आप बोलिए अपने पास, क्योंकि आवाज क्लैश हो जाती है ना, आप वहीं पर बोलिए, म्यूट रखिए माइक को। रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं रामादि मूर्तिषु, आपके तो बहुत सारे अवतार हुए, राम नरसिंह वरा, हमने दकल दशा अवतार के बारे में समझा था, हा? और आपके कला अवतार भी है, अंश अवतार भी है, नाना अवतारम, और बहुत सारे अवतार हुए, भुवनेश्वर किंतु बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत, स्वयं कृष्ण क्या है, भगवान है। तो मैंने श्रीमद् भागवत से भी आपको कुछ बोला था, क्या बोला था भक्ति माता जी, आप बताएंगे, श्रीमद् भागवत का श्लोक नंबर लिखवाया था, क्या वर्ड क्या था इसी श्लोक के साथ में, मैंने लिखवाया था कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखवाया था, बताइए। कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। हाँ, ये भी ठीक बात बताई आपने, कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी ये ना। तो उसका कितना, 1.323 यस, 1.328 10 अवतार, अपनी राइटिंग भी नहीं समझ पा रहे हो, 23 8 समझ पा रही हूँ, पर 23 लिखा था कि 28 वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया है, एते चाम्स कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपके बहुत सारे ऊपर जो अवतार बताए गए, 24 अवतार भागवत में, 24 अवतार बताए भगवान की, तो ये 24 अवतार जो हैं आपके अंश अवतार है, या अंश के अंश अवतार हैं, लेकिन आप क्या हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप तो स्वयं भगवान है। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मड़यंती युगे युगे, और आप अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार से प्रकट होते रहते हैं। मैंने आपको बताया था, और उसके लिए एक एग्जाम्पल नीचे प्रभुपाद जी देते हैं वैदूर्य मणि का। वैदूर्य मणि एक होती है, एक ऐसी मणि होती है, उसको अलग अलग दिशा से देखो, उसका कलर जो है अलग अलग दिखता है। उसी प्रकार से भगवान एक है, लेकिन भगवान के अवतार कितने हैं, रूप कितने हैं, अनंत रूप है। और उसी के साथ जब हम दशा अवतार बताए थे आपको, आशिता खैनी बताएंगे, माता जी बताइए, आशिता खैनी माता जी, भगवान अवतार है, अवतारी है, और क्या मतलब होता है इसका, आशिता खैनी जी कहां पर हैं आप, हरि बोल, हाँ गए आशिता खैनी, या श्री बोलिए आप, श्री आपका नाम कुछ और है, श्री के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सभी अवतार आते हैं। यस, कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार आते हैं, सोर्स ऑफ ऑल इंकार्नेशंस है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, इसलिए दशा अवतार में उनका नाम नहीं आता है, बलराम जी का नाम आता है। भगवान तो कैसे आए, स्वयं आए हैं एज इट इज, कोई रूप लेके नहीं आए, जब कृष्ण रूप में आए थे, कृष्ण कृष्ण ही आए हैं, कृष्ण कुछ और रूप में नहीं लेके आए, इसलिए दशा अवतार में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का नाम आता है, बलराम जी का। ठीक है, और बाकी हमने वैदूर्य मणि का उदाहरण भी समझ लिया, फिर हमने ये देखा कि अर्जुन को कैसे ये डाउट हो गया कि डाउट कि भगवान आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, ये डाउट आया अर्जुन को, तो भगवान ने बताया अर्जुन को, अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम भी थे उस समय, कब थे, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज,
बार बार मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल समझते नहीं है बच्चों जैसे, थोड़ा ना चॉकलेट खा के आनी है, थोड़ा वीडियो बंद कर देते हैं। यस बताइए, सूर्यदेव जो है विवस्वान, उनको भगवान ने ज्ञान दिया था, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे तो याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि अर्जुन भी उस समय में थे, कब थे, जब भगवान ने इस ज्ञान को सूर्य देव को दिया था तब अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि अर्जुन क्या है, जीव है, और हम क्या है, और सॉरी भगवान क्या है, भगवान है, विष्णु तत्व है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो हमने वहीं पे कंक्लूड किया था कि अर्जुन को बोला गया परंतप। परंतप का मतलब क्या रीनल पटेल जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, शत्रुओं का विनाश करने वाले, या शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला। तो परंतप अर्जुन को बोला तुम कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन तुम याद नहीं रख सकते पहले क्या हुआ था। इसलिए कहा गया है भौतिक रूप से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी भी भगवान कृष्ण के समान नहीं हो सकता, कभी भी समता नहीं आ सकती। इसलिए कल हमने किसी किसी का नाम नाम ले लेके बोल दिया था कि भाई ये लोग जो बहुत शक्तिशाली दिखाई देते हैं ये भगवान नहीं है, भगवान के बराबर बराबरी नहीं कर सकते। उनको आप गुरु का दर्जा दे सकते हो, किसी देवी देवता का दर्जा दे सकते हो, लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, मुझे ऐसे टोकना नहीं पड़ रहा है कि क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, देखिए अच्छे से। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से, आप सबको मिल गया तात्पर्य, में कहां चल रहे हैं, मिल गया आपको, मिल गया ना? ठीक, भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना, भगवान का जो संगी है, भगवान के जो साथ में रहने वाला है, वो हमारे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है, बद्ध जीव नहीं होता है, वो कौन होता है, मुक्त जीव होता है, मुक्त पुरुष होता है। प्रभुपाद जी भी क्या है, मुक्त हैं, अर्जुन भी क्या है, मुक्त है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी क्या है, मुक्त है, ये सब भगवान के साथ में रहने वाले। लेकिन कभी भी प्रभुपाद जी ने ये बोला क्या, मैं तो भगवान का चीर संगी हूं, साथी हूं, इसलिए मैं भी भगवान हूं, ऐसे बोला कभी प्रभुपाद जी ने? कभी जीसस ने बोला? नहीं बोला। उसने उन्होंने क्या बोला, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जो ऐसा बोलता है कि मैं भगवान हूं वो भगवान नहीं है, GOD भगवान नहीं है, उसका उल्टा कर दो वो क्या हो गया, DOG। ठीक है बस, बस आप समझ जाइए बस। तो जो ये अपने आप को क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, मैं GOD हूं, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको उल्टा करके समझ जाइए उसको क्या है वो। ठीक है, तो लॉर्ड जीसस को क्यों सब लोग इतना मानते हैं अगर वो भगवान नहीं है तो? उसी तरह से बहुत सारे लोगों को भारत में भी तो मानते हैं, मैंने नाम भी लिया था कल, आपको याद होगा, आपको गुजरात में मानते हैं, राजस्थान में मानते हैं, बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली पुरुष हो गए या फिर जिन्होंने कुछ चमत्कार किए उनको लोग भगवान मान बैठते हैं। पंडरपुर में जो आगे अपना जो वहां पर, समझ गए होंगे आप सबका, मैं कल नाम लेके बता दिया था सबके बारे में। तो यही कहा जा रहा है कि भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, भगवान के साथ में रहने वाला क्या होता है, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष का मतलब क्या होगा, बोलिए जल्दी से बताइए, मुक्त पुरुष का मतलब क्या, सबको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बद्ध पुरुष का मतलब क्या है, मुक्त पुरुष का मतलब क्या है, बोलिए। रेखा छिपा माता जी बोलिए, मुक्त पुरुष क्या होता है? मैं आपको आत्मा मानती हूँ। भगवान के साथ रहने वाला, भगवान के साथ रहने वाला। हाँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई प्रभु जी, जिससे मोक्ष प्राप्त होगी हो, मतलब क्या है उसका, जो बंधन में नहीं बंधा हो। बंधन कौन से बंधन में नहीं बंधा है प्रभु? भौतिक बंधन में प्रभु। भौतिक कौन सा बंधन है, भौतिक कौन सा प्रभु? प्रकृति के तीन गुणों वाले बंधन में नहीं बंधा है,
बहुत सुंदर उत्तर दिया, वेरी नाइस हरी बोल। तो जो मुक्त पुरुष होते हैं वो प्रकृति के बंधन में नहीं है, वो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के बंधन में नहीं है, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके होते हैं। अब जल्दी से लीना पटेल माता जी बताएंगे बद्ध पुरुष कौन होता है। बद्ध पुरुष यस लीना पटेल माता जी, बद्ध पुरुष भौतिक, ठीक है मुक्त पुरुष बता दीजिए। मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष जो यस यस सही बोल रहे हैं, बताइए सही बता रहे हैं, बोलिए। नहीं याद आ रहा है अभी, जस्ट अभी तो बोला माता जी, अभी जस्ट बोला, मैं इशारा कर देता हूँ आपको, बताइए। तीन गुण, तीन गुणों के यस, जो प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में नहीं है उनको मुक्त पुरुष बोलते हैं, और जो प्रकृति के तीन गुणों के अंदर में है उसको बद्ध पुरुष बोलते हैं। तो भगवान के साथ में रहता है उसको क्या बोला गया है, मुक्त पुरुष, लेकिन कभी भी वो भगवान के बराबर नहीं होता है। ठीक है नेक्स्ट पढ़िए। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। भौतिक जगत में आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, स्वयं भगवान वो कभी अपने आप को भूलते नहीं हैं, अपने स्थान से गिरते नहीं हैं, कभी भी अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते हैं। च्युत से मतलब है अपने स्थान से गिर जाना, समझ में आ गया ना आपको। हम सब लोग कौन से हैं, फॉलिएबल, भगवान क्या है, इनफॉलिएबल। हम लोग तो अपने स्थान से गिर सकते हैं, अपने वायदों से अपने प्रॉमिस से हम गिर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं गिरते, इसलिए उनको बोला गया है अच्युत। ठीक है, और कभी भी वो अपने आप के वास्तविक स्थिति को भूलते नहीं है। हम तो यहाँ भौतिक जगत में आ गए तो हम तो क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं बताइए रूपल पटेल माता जी, हम भौतिक जगत के संपर्क में आ गए तो क्या भूल गए। मैं आत्मा हूँ, यस मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य अंश हूँ, भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत से हूँ, मैं इसे भौतिक जगत से नहीं हूँ। ये सब बातें जो हैं हम इसे भौतिक जगत में आने के बाद भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं। ठीक है नेक्स्ट, तो आप भगवान वाले कॉलम में लिख लीजिए और जीव वाले कॉलम में लिख लीजिए। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने पर भगवान अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूलते। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने पर भगवान अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं भूलते, वास्तविक स्थिति को नहीं भूलते। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने पर भगवान अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूलते। जीव वाले कॉलम में लिख दीजिए, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के बाद अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हम तो भूल गए और यहाँ के रिश्ते बना दिए, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा, सब भूल गए। हम तो कृष्ण के नित्य अंश हैं, हम तो आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, सब भूल गए। आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से जीव अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाता है, भगवान अपनी वास्तविक स्थिति नहीं भूलते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। ये पहले ही हमने पॉइंट लिख लिया था, भगवान और जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते, भले ही कोई मुक्त पुरुष क्यों ना हो, भले ही कोई बड़ा अष्टांग योगी क्यों ना हो, कोई शुद्ध पुरुष क्यों ना हो, तो भी वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता। आशिता जी लिखा था नहीं लिखा था ये वाला पॉइंट, बताइए, नहीं थे आप क्लास में, कल लिखा था ना पॉइंट ये वाला, कल ये वाली बात आई थी, जब कोई बड़ा से बड़ा बलवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतप क्यों ना हो, तो भी वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता है।
तो ये वाला पॉइंट आज भी आया है कि भले कोई कितना भी बड़ा मुक्त पुरुष क्यों ना हो, भगवान के साथ में रहने वाला क्यों ना हो, फिर भी वो भगवान के बराबर नहीं है, कृष्ण के बराबर नहीं है, परम भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है। ठीक है। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। समझ में आया? खुद की प्रकृति को भी भूल जाता है और भगवान की भी प्रकृति को भूल जाता है, इसलिए क्या पूछता है, ओ ठाकुर जी, ओ कान्हा जी, ओ मुरली बजाने वाले जी, आपने ये सूर्यदेव को ज्ञान कब दिया था भैया जी, आप तो मेरे समान हो। तो भूल जाता है कि ये भगवान है। जीव क्या हो जाता है, भूल जाता है कि भगवान है, इसलिए किससे तुलना करता है, अपने आप से तुलना करता है, मेरे जैसा कोई होगा भगवान तो, हम लोग भी ऐसे ही तुलना करते हैं भगवान से। समझ में आ गया आपको? इसलिए कभी कभी जो है भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। नेक्स्ट, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है। अब ये देवी कृपा का मतलब क्या है? दुर्गा माता की कृपा, माता रानी की कृपा, कौन सी कृपा है? दैवी कृपा। हाँ, पुण्य कर्म। दैवी कृपा का मतलब है आध्यात्मिक कृपा, डिवाइन मर्सी, डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन का मतलब देवी तो नहीं होता ना, तो डिवाइन ब्लेसिंग से, आध्यात्मिक कृपा से, दिव्य कृपा से जो भगवान का भक्त है वापस तुरंत समझ जाता है भगवान के बारे में, तुरंत उनको याद आ जाता है कि वो एक मिनट दे दीजिए बस जल्दी से, तो आप जल्दी से वो पॉइंट पढ़ लीजिए। भगवान का जो भक्त है वो भगवान की कृपा से तुरंत ही वापस भगवान के बारे में समझ जाता है। हरे कृष्ण। माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। वृंदावन से कोई प्रभु जी आ रहे थे, उनके लिए कुछ गाड़ी का अरेंजमेंट करना था। तो हमने बात कर रहे थे कि भगवान का भक्त जो है फिर भगवान की कृपा से वापस उनको याद आ जाता है कि तो परम भगवान है। ठीक है, आगे। जबकि अभक्त तथा या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। अभक्त कभी भी नहीं समझ पाता भगवान की प्रकृति को, भगवान खुद बता भी देते तो भी नहीं समझ पाता। उदाहरण दीजिए, किसका उदाहरण है? दुर्योधन। दुर्योधन, भगवान ने उसके सामने विराट रूप प्रकट कर दिया, भीष्म पितामह ऐसे प्रणाम कर रहे हैं और दुर्योधन क्या कर रहा मालूम है? बहुत 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 तेज रोशनी आ रही है। वो कभी नहीं समझ सकता भगवान को, भीष्म पितामह ऐसे प्रणाम कर। तो अर्जुन के, दुर्योधन के सामने भगवान ने पूरा अपना विराट रूप प्रकट कर दिया तो भी वो उनको भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए दुर्योधन के बारे में कहा गया है, उसको मालूम था कि अच्छी बातें क्या होती है, अच्छे कार्य क्या होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रकृति के कारण वैसे अच्छे कार्य नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो कहा गया है जबकि भक्त अभक्त सॉरी जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता, फल स्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। क्या मतलब है आशिता खैनी जी इसका? गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। सिंपल है, बोलिए। नहीं मालूम
सिंपल बात लिखिए ना, तो जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं, जो कृष्ण को भगवान को नहीं समझ पाते हैं, उनके दिमाग में भगवद गीता नहीं समझ आती है, भगवद गीता को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हम बोल देते हैं ना, अपने आप के लिए बोल देते हैं, अरे ये फिजिक्स तो मेरे भेजे में चढ़ ही नहीं रही है, ऐसे बोलते हैं ना, ये केमिस्ट्री तो बिल्कुल घुस ही नहीं रही है मेरे दिमाग में। तो वैसे ही असुर प्रकृति के लोगों के दिमाग में भगवद गीता नहीं समझ में आती है। फलस्वरूप पढ़ी आगे, गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। तो देखिए इस बात का उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण, विष्णु पितामह कहां लेटे हुए हैं? सरसैया पे लेटे हुए हैं। किसने लिटाया था उनको सरसैया पे? प्रवीणा माता जी। प्रवीणा माता जी किसने लिटाया विष्णु पितामह को? वो बेड किसने दिया था सरसैया वाला? अर्जुन ने। यस, सरसैया मतलब तीरों की सैया, तीरों के बेड पे सो रहे हैं वो, तो बहुत घाव लगे हुए हैं शरीर के अंदर, बहुत रक्त बह रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। हमारे बेड में एक छोटा सा कुछ कंकड़ आ जाए, उफ क्या था, सोचिए वहां इतने सारे तीरों के उसके ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं भीष्म पितामह के सामने, पूछते हैं, भगवान मैं अपने सारे पिछले जन्मों को चेक कर रहा हूं, कहीं पर लग नहीं रहा कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसकी सजा मिल रही है मुझे, ऐसा कौन सा कर्म किया हे वासुदेव? वो पुराना महाभारत याद है आपको? वो इतना बढ़िया ट्यून में बोला गया है, जब भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठा करके जब दौड़ रहे थे भीष्म पितामह की तरफ, विष्णु पितामह ने अपने धनुष छोड़ दिया, विष्णु पितामह ने अपने बाण छोड़ दिया, और वो प्रेम से बोलते हैं, हे वासुदेव मैं तो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था, कब आपके हाथों से मेरी मृत्यु होगी। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है, मुझे प्रकट हुए तो विष्णु पितामह बोलते हैं, हे वासुदेव मुझे मालूम नहीं इस कौन से जन्म का मुझे मिल रहा है। तो देखिए कृष्ण को खुद का ही नहीं, सबके जीवन का याद रहता है, और हमें तो अपने जीवन का भी याद नहीं रहता है। तो विष्णु पितामह को बोला, आपको तो 100 जन्मों का याद है, लेकिन उससे पहले 101वां जन्म जो था पीछे, उसमें आपने क्या किया था? एक सांप को या एक ऐसे रेंगते हुए जानवर को उठा करके, सेंटीपेड बोलते हैं उसको, सेंटीपेड बोलते हैं उसको, 100 पाव होते हैं, उसको जो है उठा करके कांटों के ऊपर फेंक दिया था, तो इसलिए तुम्हारे को भी शरीर में इतना कष्ट मिल रहा है। कोई भी कर्म छूटता नहीं है, सोच लो 100 जन्मों बाद भी सजा मिला, लेकिन मिला, सबको कर्म भुगतना पड़ता है कोई भी कर्म। तो एक तरफ है विष्णु पितामह जिनको याद नहीं है, और एक तरफ कौन है? भगवान कृष्ण जिनको याद है। अब कॉलम में लिख लीजिए, जीव और भगवान वाले कॉलम में, में भी आपके लाइनें पूरी हो चुकी होगी। आपको जितना 5-6 लाइनों के लिए बोला था, भगवान को स्वयं तथा सभी जीवों के बारे में याद रहता है। भगवान को स्वयं तथा सभी जीवों के बारे में याद रहता है। जीव के कॉलम में लिख लीजिए, जीव को तो खुद स्वयं के बारे में भी याद नहीं रहता, कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, देखिए आपने। पहले के जमाने में प्रभु जी वो चित्रगुप्त रहते थे ना, जो सबका कच्चा चिट्ठा रखते थे, तो उनकी हेल्प लेते होंगे चित्रगुप्त की? कौन? भगवान नहीं, भगवान को चित्रगुप्त की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, चित्रगुप्त को हम यमराज जी चित्रगुप्त की हेल्प लेते हैं, यमराज जी के पास बैठे हुए चित्रगुप्त, ठीक है। कृष्ण को या किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता है। तो यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण को स्वयं तथा सभी जीवों के जन्मों के बारे में, सबके जीवन के बारे में हमेशा सब कुछ याद रहता है। नेक्स्ट,
कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। क्या मतलब है विनोद अग्रवाल जी? अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। और कौन से श्लोक को ये रेफर कर रहा है? दोनों बातें कृष्ण प्रभु जी। यस, कृष्ण और अर्जुन का स्वभाव एक हो सकता है, लेकिन चूंकि कृष्ण भगवान हैं और अर्जुन भगवान नहीं है, इसलिए उनको वो स्मृति नहीं बनी रहती। प्रश्न है, कृष्ण और अर्जुन शाश्वत क्यों हैं? कृष्ण और अर्जुन दोनों शाश्वत बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्ण, अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। क्या मतलब है? क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण माये हैं, वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में रहते हैं। ओहो, आप भी शाश्वत हो भैया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए स्मिता। वो आत्मा के तरह, वो आत्मा है वो शाश्वत है, वैसे आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा भी शाश्वत है, अर्जुन आत्मा है वो भी शाश्वत है, भगवान कृष्ण वो भी शाश्वत है। कौन से श्लोक को रेफर कर रहा है? आज ही बताया था मैंने, आशिता जी बताएंगे कौन से श्लोक को रेफर कर रहा है ये। प्रभु जी श्लोक का नंबर तो नहीं याद है, लेकिन अभी तो बोला 2.12 जिसमें 2.12। आजकल थोड़ा एक्टिवनेस कम हो गई आपकी, इसलिए मैं थोड़ा आपको बोल रहा हूँ बार बार। 2.12 दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, आत्मा की शाश्वतता और आत्मा की व्यष्टिता को बताया गया था, इंडिविजुअलिटी एंड इटर्निटी। उसके लिए भगवान ने क्या बोला था? तुम और मैं दोनों ही शाश्वत है, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। इवन दो अर्जुन जो है भगवान के साथ में शाश्वत स्वभाव है, फिर भी अर्जुन जो है वो स्मरण नहीं रख सकता। नेक्स्ट, यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है, देखिए 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 तात्पर्य देखिए, यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। जैसे शरीर परिवर्तन हो जाएगा हम भूल जाएंगे। इसी जीवन में भी हमने बहुत बार शरीर परिवर्तन किया है। यस, कौन बताएगा? रेखा छिपा माता जी, इस जीवन में हमने कम कब शरीर परिवर्तन किए हैं? कौन कौन सी बॉडी बदली हमने इसी जीवन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दूसरे अध्याय का 2.13 श्लोक है, देही नो अस्मि नथा देह कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर अस्मि न तो हम तथा देहांतर धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यति न मुह्यति। एक बार और बोल दीजिए सभी के सामने, हरि बोल बोले। देही नो अस्मि नथा देह कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर अस्मि न मुह्यति। हरी वो, इसका अर्थ है? बहुत अच्छा, क्या अर्थ है इसका? यह हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे अपना शरीर परिवर्तित किया है। पहले हम बचपन में थे, फिर हम युवावस्था में आते हैं, फिर हम वृद्धावस्था को जाते हैं, तो इसी तरह हमारी आत्मा भी निकल कर ऐसे कैसे आगे बढ़ जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है अपने कर्मों के आधार पर। यस, तो इसी जीवन में हमने शरीर बदला है। हम छोटे बालक के रूप में थे, माँ के गर्भ में थे, आपको किस किस को याद है बताओ? हरे कृष्णा, माता जी प्रभु जी आप बताइए, आप अपनी माँ के गर्भ में थे, किस किस को याद है? याद है किसी को? सुभाष खुराना जी याद है आपको? क्या हो रहा था उस समय याद है? कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे याद है? सबसे पहले आपको गोदी में किसने लिया था याद है आपको? तो उस शरीर का, इस जीवन में भी शरीर बदलते हैं हमने, शरीर बदल जाते हैं तो हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम शरीर परिवर्तित करते हैं तो भूल जाते हैं। अब आपके दिमाग में जो प्रश्न है उसका उत्तर दे देता हूं मैं, ठीक है? अब जल्दी से लिख लीजिए, जीव और भगवान के कॉलम में पहले लिख लीजिए।
हम ये पॉइंट तो लिख चुके हैं, ये वाला पॉइंट हमने लिख चुके हैं, क्या भगवान का शरीर नहीं बदलता है, जीव जो है शरीर बदलता रहता है, ये तो हमने लिख लिया। इसमें ये लिखना है भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं तो भूलते नहीं हैं, तो भूलते नहीं हैं, भगवान जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो भूलते नहीं हैं, लेकिन जीव जो है जब अलग अलग जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है तो भूल जाता है। स्मिता माता जी आप लिख नहीं रहे प्रभु जी, मैं यहाँ बुक हाँ सूरत अच्छा, में हूँ। सूरत में ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि प्रभु जी एक एक का ध्यान रखते हैं भाई, राइट, अच्छा लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे को क्यों बोल दिया, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जीव जो है शरीर बदलते ही भूल जाता है। नेक्स्ट जो हम बात बताना चाह रहे थे, आपके मन में जो प्रश्न आया था वो प्रश्न ये है कि प्रभु जी पुराने जन्मों का याद रहेगा तो अच्छा है ना, हम अच्छे कर्म करेंगे अभी, पूरे कर्म नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए पुराने जन्म का ध्यान दीजिए, हरि बोल, पुराने जन्म का अगर हमें कुछ भी याद रहा ये जीवन भी नहीं जी पाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, पुराने जीवन का कुछ अगर आपको याद रहा तो ये जीवन भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। अब पुराना जन्म छोड़िए, इसी जीवन में जब छोटे छोटे शरीर थे उस शरीरों का अगर आपको याद रहा तो भी ये क्षण आप जी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में जो नियर एंड डियर वन की मृत्यु हो गई है या बहुत पहले हुई थी अभी हुई है, वो आपको अगर हमेशा याद रहेगा तो आप आगे नहीं जी पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, क्यों विस्मरण शक्ति दी गई है, समझ में नहीं आया अर्चिता जी, हमारे को भूलने की शक्ति दी गई है। जैसे जी अगर वो कैसे भूल पाएंगे, अगर कोई जो चला गया है उनको नहीं भूल सकते ना। देखो इसको इस तरह से बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी मेरे दादाजी की मृत्यु होती है, ठीक है, एक दिन दो दिन रोता ही रहता हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ और सब लोग बोलते हैं नींद भी नहीं आ रही है, पूरा दादाजी से बहुत आसक्ति थी, मृत्यु हुई तो पूरा, पर धीरे धीरे भगवान ने प्रकृति को क्या दिया हुआ है, भूलने की शक्ति दी हुई है, इसलिए उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। जैसे बोलते हैं ना आवरा का डावरा डावरा डावरा, तो जो माया ऐसे ही करती रहती है, हमारे को धीरे धीरे भुला देती है, एक दिन होता है, दो दिन होता है, तीन दिन होता है, आप शुरुआत में स्टार्टिंग में कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, पर धीरे 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 ये माया क्या करती है, भुला देती है। प्रभु जी उसको भूल नहीं पाते, प्रभु जी उसको भूल नहीं पाते, पर टाइम इज द ओनली हीलिंग फैक्टर, हीलिंग नहीं जैसे माता जैसे जी, वक्त जाता है। माता जी जो बताया जा रहा है उसको समझिए आप ना प्रभु जी, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करती हूँ, इतने सारे लोग गए हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, पर फिर भी जैसे जैसे वक्त जाता है तो आप अपने में बिजी हो जाते हो तो वो याद पीछे चली जाती है। फिर क्या कह रहे, वही तो कह रहे, वही तो बता रहे हैं, कैसे तो बिजी हो जाते हो, कौन बिजी करता है आपको, कौन भुलाता है आपको, माया की आवरणात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी। एक वाइफ का, ठीक है ज्यादा अभी टाइम हो गया, अभी बाद में आप समझ जाइए, मेरे एक एग्जांपल लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पर एक निशान है मेरे, आप सभी के भी कुछ जीवन में निशान हुआ होगा, गिरे पड़े होंगे, कुछ हुआ होगा। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम में मैं क्या कर रहा था मालूम है, ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था और बोल रहा था बस डॉक्टर ठीक कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, ब्लड बह रहा है, प्लीज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जितना पैसा चाहिए सब ले लो, बस अब इसको ठीक कर दो। दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद जब उसने थोड़ा पट्टी लगाया, ठीक हुआ, ब्लड बंद हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद डॉक्टर वो बिल लेके आ गए। हमने क्या बोला, इतना बड़ा बिल क्यों बनाया आपने, लड़ाई किया उनसे, इतना पैसा क्यों, किस बात का ले रहे हो, पट्टी तो लगाई है ना, कॉलेज में थे तो आप समझ सकते हो कि वो इस तरह से। और अगर वो दर्द जो मुझे हो रहा था उस दिन, हरि बोल ध्यान दीजिए, उस दिन जो मुझे दर्द हो रहा था वो अगर मुझे आज भी याद रहे, याद रहने का मतलब अभी भी फील कर सकूं उसको, तो क्या मैं जी सकता हूं, नहीं जी सकता, यही हम बताना चाहते हैं।
इसलिए भगवान ने हमें क्या दिए, फॉरगेटफुलनेस। तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे फॉरगेटफुलनेस दी इसलिए मैं एटलीस्ट लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहा हूं। नहीं तो आप नहीं जी सकते, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपके कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, पूरा एकदम आप सेंसलेस हो जाते हो, क्या करो क्या नहीं करो कुछ मालूम नहीं, रोना आता है, मोबाइल वगैरह कुछ, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ यूज करने की इच्छा नहीं होता है, कुछ भी मन ही नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है। लेकिन धीरे 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 माया क्या करती है, आवरण डालती है। इसलिए एक शक्ति है माया की, उसका क्या नाम है, आवरणात्मिका शक्ति, आवरण डाल देती है माया। धीरे 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 हम भूल जाते हैं और वापस उसी दुनिया में बिजी हो जाते हैं, दो तीन दिन हंसते भी नहीं है, जब किसी की मृत्यु होती है ना तो चेहरे पे स्माइल भी नहीं आती है, पर अभी हा 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 वो जोक मार दिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, करने लग जाते। क्यों भैया, अभी पिताजी का मेमोरी कम हो चुकी है, तो ये भूलने की शक्ति दी है। इसी शरीर के अंदर भी भगवान भूलने की शक्ति दी है, जिससे कि आप आगे का जीवन जी सको। किसी माँ के बेटे की मृत्यु होगी मान लीजिए, और वो उसको पेन याद रहेगा तो आगे वो जीवन कैसे जिएगी, नहीं जी सकती आगे जीवन। यही कहा जा रहा है कि भूलने की शक्ति, विस्मरण शक्ति भगवान देते हैं और जीव भूल जाता है, वो आगे जीवन कंटिन्यू करने के। आपको अगर ये याद रह जाए, चलो अभी आपको याद आ जाए, मान लीजिए, गलत मत समझिएगा, आपको अभी ये याद आ जाए कि पिछले जन्म में आप जो है जिस गली में अभी बढ़िया मकान बना के रहते हो उसी गली में कुत्ते थे, सोचिए, वो सब कुछ याद आ रहा है आपको, इधर दिख रहा है वो, मैं वहां पर जाता था, मैं वहां भाव भाव करता था, मैं उधर उधर लड़ाई करता था, मैंने उधर ऐसे किया था, वो आप जी पाओगे, नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान विस्मरण शक्ति देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, भगवान के बारे में कहा गया। अब यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते। मैंने ये पॉइंट पहले लिखवा दिया है, जीव शरीर बदलता है, भगवान शरीर नहीं बदलते हैं। समझ में आया, भगवान एज इट इज शरीर में आते हैं, आध्यात्मिक रूप में आते हैं, उनका शरीर भौतिक नहीं होता है। याद रख लेना आप, राम जी का शरीर भौतिक नहीं था, कृष्ण भगवान का शरीर भौतिक नहीं था, दिखाने के लिए, नास्तिक लोगों के लिए भगवान पूरा ऐसे दिखाते हैं कि ये तो भौतिक शरीर था, उनके भी शरीर से खून आ गया तो बोल देते हैं कि भाई ये तो भौतिक शरीर था। ये नास्तिक लोगों के लिए भगवान ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए कुंती महारानी बोलती है, नटो नाट्य धरो यथाम माया जवनिका छन्नम। जैसे कि एक नाटक करने वाला होता है, एक्टर होता है, और एक्टर जब स्टेज पे जाता है अपना पूरा मेकअप कर लेता है, पूरा अच्छे से कॉस्ट्यूम पहन लेता है, उसके बाद पहचान में आता है नहीं आता है। उसी प्रकार से हम सब लोग जो हैं भगवान को नहीं पहचान पाते। भगवान जब ऐसा दिखता है हमें कि ये तो भगवान, ओ ये तो हमारे जैसे व्यक्ति लग रहे हैं, ठीक है। भगवान कभी भी शरीर नहीं बदलते हैं, वो अपने शाश्वत शरीर में आते हैं, जो कि अगले श्लोक में भी लिखा हुआ है, स्वयं कृष्ण बोलेंगे। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान क्या है, अद्वैत, इसका अर्थ लिख लीजिए, बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए, अद्वैत बराबर। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में एक लाइन लिख दीजिए, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। और स्मिता मटल माता जी, जीव के लिए क्या होगा, जीव के लिए बंधन होगा, शरीर और आत्मा में अंतर है, अंतर है। हाँ। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर, में अंतर नहीं है, हमारे हमारे अंतर है, हमारे डिफरेंट है, हम अलग है और हमारा शरीर अलग है, हम आत्मा है और ये शरीर हम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया आपने,
भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। नेक्स्ट उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। उनसे संबंधित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो है हर एक वस्तु आध्यात्मिक है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। भगवान का शरीर, भगवान का हार, भगवान का मोरपंख, भगवान के कानों के कुंडल, भगवान के जो वस्त्र, भगवान के जो जो कुछ है वो भगवान से अलग नहीं है, आध्यात्मिक है। क्या है? आध्यात्मिक, ठीक है। पर हमारे तो शरीर और आत्मा हम दोनों ही अलग अलग हैं। और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, लास्ट तीन लाइनें बची हैं। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अभिन्न मतलब क्या हो गया? भिन्न नहीं है। भक्ति माता जी समझ में आ रहा है कि मेरे जैसे बैठे हुए बस सर बोलते रहेंगे, कान में आवाज पड़ती रहेगी? नहीं नहीं समझ में आ रहा है। भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न नहीं है। हाँ, क्या भिन्न नहीं है? आत्मा और शरीर। यस, तो भगवान का शरीर आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। जब भौतिक जगत में आते अवतार लेते प्रकट होते हैं तब भी उनकी स्थिति जो है वैसी की वैसी बनी रहती है, और एक सामान्य जीव से तो हमेशा ऊपर ही रहती है। लास्ट लाइन, असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। असुर गण जो है भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, इसलिए वो भगवान को क्या बोलते हैं, एक साधारण व्यक्ति था, थोड़ी तपस्या कर लिया तो गोवर्धन उठा लिया, और थोड़ा माखन चोरी कर लिया, ऐसा कर लिया, द्वारका नगरी बना दी, तो बोले भगवान हो गया क्या? ऐसा करके असुर लोग नहीं समझ पाते। इसकी स्टोरी में पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो। हमारे जीवन में आज हमारे पास जो कुछ भी है वो किसकी देन है, बोलिए? भगवान की। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, सब कुछ भगवान की देन है। सब कुछ, घर परिवार, गाड़ी, धन दौलत, सब कुछ भगवान की देन है। लेकिन असुरगण नहीं समझ पाते इस बात को। इसलिए एक बार एक बुढ़ी माता जी थी, वो हर बात के लिए क्या कहती थी, कृष्णा थैंक यू, कृष्णा आप कितने दयालु हो, कृष्णा आप कितने कृपालु हो, सब कुछ आपकी कृपा से। हर बार कृष्ण को धन्यवाद देती थी। उनका पड़ोसी क्या था? असुर, नास्तिक था। वो जाता है एक बार से मार्केट में से सब्जी फल दूध वगैरह खरीद के लेके आता है, और उसके बाद में उनके घर के वहां पर रख देता है, और आकर के छुप जाता है पीछे। उनकी वो माता जी आती है, बुढ़ी माता जी आती है और देखती है फल सब्जियां ये सब कहां से आया इतना सारा। ओ कृष्णा थैंक यू, यू आर सो मर्सीफुल, भगवान आप कितने दयालु, कितने कृपालु, आपने इतना सारा दे दिया। तो फिर वो पीछे से वो नास्तिक व्यक्ति जंप करके आता है, उनका पड़ोसी, अरे मैया माता जी ये तुम्हारे कृष्णा ने नहीं दिया है, मैं ये देखो मार्केट में जाके लेके खरीद के आया हूं, बिल देखो, ये बिल मैं लेके आया हूं मैं। तो माता जी क्या बोलते मालूम है, ओ कृष्णा आप तो कितने कृपालु हो, नास्तिक लोगों को भी अपनी सेवा में लगा लेते हो, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। ये होती है भक्त की श्रद्धा। असुरगण कभी नहीं समझ सकता। असुरगण तो हमेशा यही कहता रहेगा, शिशुपाल हुआ या दुर्योधन हुआ, ए ग्वाले तू ग्वाला कहीं का, गाय चराने वाला ग्वाला कृष्ण, ऐसे बोलते हो। भक्त समझ पाता है, हर क्षण समझ पाता है। सातवें अध्याय में भगवान साफ साफ बोलते हैं, ये बाहर का शरीर जिसको बोलते स्थूल शरीर, अंदर का शरीर जिसको बोलते सूक्ष्म शरीर, ये सब कुछ मेरी ही प्रकृति है, मेरी ही बाह्य प्रकृति है। तो हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो आइए, भगवान के बारे में इतना जानने के बाद अब हम उन परम भगवान जिनका शरीर आध्यात्मिक है, जिनका आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है,
जो सारे जन्मों का सबका याद रखते हैं, जो अद्वैत हैं, इनका जो दो नहीं एक ही हैं, और जो आदि हैं, जो सबकी शुरुआत हैं, और जो परमेश्वर हैं। ईश्वर शब्द का मतलब बताइए जल्दी से, आशिता खैनी जी, ईश्वर शब्द का अर्थ। बताइए बताइए, थोड़ा इनएक्टिव हो गए ना अब, मुझे मालूम पड़ रहा है, पहले पूरा एकदम से ध्यान रखते थे सब। यस वंदना बारोट माता जी, कंट्रोलर। यस ईश्वर का मतलब, अब उल्टा कहूंगा, पहले आशिता खैनी जी एक्टिव थे, वंदना बारोट माता जी थोड़ा कम थे, अभी वंदना बारोट माता जी बाजी मार रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ईश्वर सरकार है कंट्रोलर। भगवान कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। तो भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। बाकी जो हम सब लोग आजकल देखते हैं, देवी देवता और कुछ बड़े बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी, जो अपने आप को भगवान बोल लेते हैं, वो भगवान नहीं है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने, मैं भी बहुत बार अवतरित हुआ हूं, तुम भी बहुत बार जन्म लिए हो, लेकिन मुझे सबका याद है, तुम्हें याद नहीं है, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने सूर्य देव को यह ज्ञान कब दिया था, इसलिए तुम नहीं जानते हो। और आगे अब नेक्स्ट श्लोक आने वाला है, बहुत ही फेवरेट, जो 90s की दुनिया के लोग हैं उनके लिए तो वो बहुत फेवरेट है, और जैसे ही ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये याद श्लोक नहीं होगा, जो 90s की दुनिया से आया है, जो बचपन में जब घर में लाइट चली जाती थी बोलते थे आ रही है 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 आ रही है, यहां तक आ गई, गांव में आ गई, और ये टीवी में लाइट आ गई, महाभारत यदा यदा ही धर्मस्य। तो वो श्लोक आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनको आपने बचपन से सुना है उनका क्या अर्थ है, क्या वास्तविक अर्थ है, उसको हम समझेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूं, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाए, और भगवद गीता का अध्ययन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आई थी नवरात्रों की वजह से ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है मालूम नहीं, लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो सभी से पूछिए अब वापस आ जाइए, और कल दशहरा है तो दशहरा से रिलेटेड कुछ और जानकारी भी हम दे सकते हैं। अभी हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से महामंत्र का जाप करेंगे अपने